आसमान से बरस रही आग, सूरज हुआ लाल, चुभती जलती गर्मी से हिंदुस्तान बेहाल, गर्मी के तेवर और हुए तल्ख। इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार चला गया है। सूखी और गर्म पछुआ हवा खतरनाक रूप अख्तियार लेती जा रही है। लू का कहर धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। मई का महीना जैसे जैसे बीत रहा है, गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के नजफगढ़ में सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यही हाल राजधानी के आसपास के इलाकों का भी रहा। नोएडा में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो गुरुग्राम में 44.6 डिग्री और गाजियाबाद में 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी और लू बढ़ते तापमान और बदलती जलवायु के साथ पहले से कहीं ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। आने वाले दिनों में और भयावह स्थिति हो सकती है और पारा जल्द ही 45 डिग्री को पार कर सकता है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ये राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और एमपी। इन दिनों साफ आसमान के साथ साथ शुष्क पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है और तापमान में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम राज्यों के लोगों को अगले कुछ दिन गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भी उबल रहे हैं। चिलचिलाती धूप की वजह से लोग घर से बाहर जाने से कतराने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार के 8 जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत को भी फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। भीषण गर्मी से बेहाल लोग कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और ठंडी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है सर जी, और टेम्परेचर हाई है, कस्टमर को खड़े होने की जगह नहीं, बिल्कुल भी, बहुत गर्मी है। गर्मी का कारण क्या, वही तापमान है और क्या है। गर्मी इस समय तो 43 डिग्री 42 डिग्री के आसपास है। गर्मी बहुत बढ़ रही है। जी जी जी। अच्छा, गर्मी से बचा सके। बचा सके, गर्मी ज्यादा हो गई है ना, इसलिए। घूमने जा रहे होंगे, स्मारक वगैरह देखने वाले, तो काफी ज्यादा बहुत हालत खराब। अंदर कोई सुविधा थोड़ी, ओपन बिल्डिंग है पूरी, सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा है। तो किसी ना किसी तरीके से बचा रहे हैं अपने आप को। ये डिहाइड्रेट करने के लिए तरबूज, उधर वो लस्सी, नहीं तो सोडा, यही सब खाना पड़ रहा है। इंसान तो इंसान, गर्मी से जानवर भी बेहाल है। जयपुर के जू का हाल देखिए, यहाँ गर्मी से परेशान भालू को आइसक्रीम दी जा रही है, तो हिरन सांभर और तरबूज खा रहे हैं। शेर और बाघ के लिए कूलर का इंतजाम किया गया है, ताकि उन्हें थोड़ी राहत दी जा सके। ज्यादातर जानवरों के पानी में ग्लूकोज मिलाकर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो। लोगों को इंतजार है मानसूनी बारिश का, ताकि राहत की ये फुहारें भीषण तपिश से मुक्ति दिला सके और जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट सके। टीम न्यूज़ नेशन।